प्रश्न बेसिक शिक्षा मंत्री जी से था कि जो भी हमारे शिक्षक हैं उनको चिकित्सीय इलाज के लिए क्या कोई कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज हम देश को जब विकसित होने की बात करते हैं तो सबसे मजबूत ढांचा हमारे स्कूल हैं, हमारे बच्चे हैं और उनके शिक्षा की गुणवत्ता है। और उनके शिक्षा की गुणवत्ता कब हम सुनिश्चित कर पाएंगे? जब हमारे शिक्षक वो मजबूत रहेंगे, जब उनका हेल्थ मजबूत रहेगा। आज ये प्रश्न पूछने का मेन उद्देश्य यह है कि जो हमारे शिक्षक हैं आज वो विभिन्न प्रकार के बीमारियों से जूझ रहे हैं, चाहे वो कॉम्युनिकेबल डिजीजेज हो या नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीजेज हो। तो ऐसी स्थितियों में जबकि हम जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उन स्थितियों में आपकी सरकार के द्वारा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पिछले 5 वर्षों में क्या कोई ऐसे स्क्रीनिंग प्रोग्राम हेल्थ के द्वारा हमारे शिक्षकों के लिए किए गए हैं जिसमें बढ़ती हुई चाहे वो कैंसर जैसी बीमारियां हो जिनका कि आंकड़ा इस यहाँ तक पहुंच रहा है कि आने वाले 5 से 10 सालों में वो 97% तक मोर्टिलिटी रेट चली जाएगी और 47% तक इंक्रीज कर जाएंगे, लेकिन अगर उन्हें अर्ली स्टेजेस में पकड़ लिया जाए तो शायद हम अपने लोगों को बचा सकते हैं। तो सरकार के द्वारा इन गंभीर बीमारियों को समझते हुए कोई भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम हेल्थ रिलेटेड क्या किए गए हैं, और अगर नहीं किए गए हैं तो इनके बारे में क्या सरकार कोई भी विचार कर रही है? मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अध्यक्ष महोदय, इस विभाग में शिक्षक में महिलाओं के आंकड़े काफी ज्यादा हैं और जो महिला गर्भ अवस्था के बाद से लेकर के जब तक उसका बच्चा 5 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक अगर वो महिला की पोस्टिंग उनके गृह जनपद के अलावा अगर कहीं दूर कर दी जाती है, उन सिचुएशंस में उनके बच्चे को पालन पोषण उस पर ध्यान देना और साथ ही साथ उनका काम कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो क्या सरकार महिलाओं की हितैषी बनते हुए जो भी हमारी महिला शिक्षक हैं जिनका बच्चा 5 साल या उससे कम उम्र का है उन्हें उनके गृह जनपद में पोस्टिंग दिलाने का की कार्यवाही या दिलाने का अवसर देगी? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया कि जो हमारे परिषदीय अध्यापक हैं उनके लिए कोई हेल्थ से संबंधित बीमा की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले समय में हमारे जितने भी परिषदीय अध्यापक हैं इनके लिए एक कैशलेस प्रीमियम बेस्ड व्यवस्था को बनाने का हम सब लोगों ने प्रयास किया था, जिस पर सहमति ना बनने के कारण इसको लागू ना किया जा सका। मैं अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे परिषदीय कर्मचारी जो हमारे राज्य कर्मचारी होते हैं इसमें उनको काउंट नहीं किया जाता है। जो हमारा वर्तमान में नियमावली है जो जियो है उसके अंतर्गत हमारे परिषद हमारे जितने भी अध्यापक हैं वो परिषद के अंतर्गत आते हैं, परिषद के कर्मचारी हैं, इसीलिए उनको जो राज्य कर्मचारियों के लिए नियमावली है उसके अंतर्गत उनको काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन मैं अवगत कराना चाहता हूं कि वर्तमान में भी हम सब लोग जो कैशलेस प्रीमियम बेस्ड इंश्योरेंस की बात की गई है हम सब लोग इस पर विचार कर रहे हैं और सभी जो हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनसे सहमति बनाते हुए और हमारे सभी शिक्षकों में जो बीमा प्लान को दोबारा से बना करके तैयार किया जाएगा अगर उसमें सहमति बनती है तो इस कैशलेस प्रीमियम बेस्ड इंश्योरेंस की सेवा को हम सब लोग उपलब्ध कराने के लिए शासन के द्वारा इस प्रक्रिया को चलाया जाएगा। और माननीय सदस्य ने जो दूसरा प्रश्न उठाया है जो कि शिक्षकों की महिला शिक्षकों के ट्रांसफर से संबंधित है,
मैं इसके बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूं। ये जो मूल प्रश्न है वो हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के है, ना कि शिक्षकों के किसी तरह से महिला शिक्षकों के ट्रांसफर्स को करने के संबंधित। इसीलिए ये मूल प्रश्न से अलग है और इसका कोई उत्तर मेरे पास अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। हेल्थ स्क्रीनिंग, क्योंकि ये हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो रही है, जब किसी को बीमारी से पहले ही रोक दिया जाए, प्रिवेंशन कर दिया जाए, तो वो बीमार ही नहीं पड़ेगा। तो क्या इस बारे में सरकार कुछ सोच रही है हमारे शिक्षकों को, उनके हेल्थ को मजबूत करने के लिए? क्या कोई भी ऐसे हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स किए गए हैं जिसमें अर्ली स्टेज में डिजीज को रोका जा सके? शिक्षकों के लिए कोई हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम किए गए? मोना जी, हमारी सदस्य हैं, उन्होंने उठाया है और मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहाँ बैठे हैं और आपके माध्यम से मैं चाहूंगी कि इस पर आप जरूर विशेष आपकी